पोलिटिकल एक्शन एंड द डायलैक्ट ऑफ पावर ऑफ वायलेंस पावर इज़ इन डीड ऑफ द एसेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट बट वायलेंस नॉट डेफिनेटली जो पावर है वो हर गवर्नमेंट की एक बेसिक डिज़ायर है उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बगैर उसको कामयाबी नहीं मिलती लेकिन पावर का प्रॉपर यूज़ दैट इज़ इंपॉर्टेंट बट वायलेंस नॉट लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो वायलेंस को एज टेक्टिक यूज करे तो, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हमें समझना है कि पॉलिटिकल एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की है पावर की है वायलेंस की उस सेंस में नहीं है बिकॉज वायलेंस इज बाय नेचर इंस्ट्रूमेंटल व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज जब भी वायलेंस को एक्सरसाइज किया जाएगा उसका एक नेगेटिव इम्पेक्ट नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो आएगा सो लाइक ऑल मीन्स इट ऑलवेज स्टैंड इन नीड ऑफ गाइडेंस एंड जस्टिफिकेशन थ्रू द एंड इट परसूस क्योंकि वायलेंस में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किस पर्पस के लिए यूज़ हुई और अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव क्या था और ख़ास तौर पर अगर पॉलिटिकल एक्शन में वायलेंस इन्वॉल्व होगी तो बहुत क्लियरली बहुत क्लैरिटी के साथ इट मस्ट बी डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव एंड द एंड ऑफ़ दिस प्रॉपर यूज ऑफ वायलेंस टेक्टिक सो जो इसकी जस्टिफिकेशन है उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो पॉलिटिक्स है फॉर मीनस ट्राइविंग टू शेयर पावर और स्ट्राइविंग टू इंफ्लुंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ पावर पॉलिटिक्स बेसिकली क्या कहलाती है पॉलिटिक्स इज दैट हुट्स वट वन एंड हाउ और क्या हासिल करना चाहता है हर इंडिविजुल डेफिनेटली सम काइंड ऑफ पावर और वो पावर जो उसको मिल जाती है जब ख़ास तौर पर वो लोग जो गवर्नमेंट में होते हैं तो पावर का पर्पस क्या है उस पावर के थ्रू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है सोसाइटी को रन करना है सिस्टम को सक्सेसफुली रन करना है तो चाहे ये पावर रियासतों एक रियासत के अंदर हो या रियासतों के माबेन हो पॉलिटिक्स को पावर क्यों रिक्वायर्ड है टू मेनटेन द थिंग्स प्रॉपरली ठीक है और यहाँ लाइक द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन हिस्टोरिकली प्रोसीडिंग इट द स्टेट इज द रिलेशन ऑफ मैन डोमिनेटिंग मैन अब स्टेट में क्या चीज़ है इंसानों ने ही इंसानों को डोमिनेट करना है जो ऊपर है उनके पास पावर है और जो नीचे हैं उनके ऊपर पावर एक्सरसाइज हो रही है बट डेफिनेटली द रिलेशनशिप द नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप मस्ट बी सपोर्टेड बाई मीन्स ऑफ लिजिटमेसी अब जो ऊपर वाली जो डोमिनेटिंग ग्रुप है उनके पास ये पावर की एक्सरसाइज की अथॉरटी कहाँ से आई है अगर वह अथॉर्टी लजिटमेट है यानी रैशनल है लीगल है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उन्हें रिप्रजेंटेशन ने दी है तो तब भी उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो वायलेंस के मेथड को ऑप्ट कर सकें बट देर समाइम्स द वायलेंस बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेन्टेन द लॉ एंड ऑर्डर लेकिन वायलेंस का मतलब ये नहीं है कि वायलेंस इस तरीके से हो कि वो लोगों के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वाइलेशन हो जाए तो तशद का इस्तेमाल रियासत महज उस वक्त कर सकती है जब उसके पास कोई और ऑप्शन ना हो अदरवाइज जो पॉलिटिकल एक्शन है उनके पास जो लिमिट जो पावर ने उनको दी हुई है उसके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है दैट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम काइंड ऑफ लॉज विद इन सिस्टम एंड डेफिनेटली देन देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ दुनिया भी देख रही है कि कोई रियासत अपने लोगों के ऊपर कोई अनचेक्ड पावर तो एक्सरसाइज नहीं कर रही अनचेक्ड यूज ऑफ वायलेंस जो है डेफिनेटली इट क्रिएट्स द क्वेश्चन नंबर वन रिगार्डिंग द लेजिटेसी ऑफ स्टेट पावर लजिटमेसी ऑफ द गवमेंट दैन डेफिनेटली दजिटमेसी ऑफ स्टेट एग्जिस्टेंस स्टेट के लिए भी तो यह ज़रूरी है कि वो ख़ुद को रिस्पॉन्सिबल स्टेट के फिनोमिना के साथ लिंक करे और कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट इंटरनेशनली अपना इमेज ऐसा क्रिएट नहीं करना चाहती जहाँ पर के यूज़ ऑफ वायलेंस जो है वो इतना उसका लेवल इतना इंक्रीज़ हो जाए कि स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस हो और गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की जो जिटमेसी है वो चैलेंज हो जाए सो इट इज़ इंटरेस्टिंग डिबेट दैट पोलिटिकल एक्शंस नीड सम काइंड ऑफ पावर बट द पावर हैव सम चेक्स इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द नेम ऑफ लॉ एंड इन द नेम ऑफ प्रॉपर लिजिटमेसी